इस समय हालात ये हो चुकी है कि पेशेंट का चलना बिल्कुल मुश्किल है, बैठना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जब ये मेरे पास 3 दिन पहले आए तो मैंने इनको एग्जामिन किया, और इनको एग्जामिनेशन के बाद मैंने इनको साफ बताया कि मुझे नहीं लग रहा है कि नस की प्रॉब्लम आपको इतना दिक्कत कर रही है। डेफिनेटली आपके MRI के अंदर एक डिस्क निकली हुई है, जिसमें नस के ऊपर दबाव डाला हुआ है, लेकिन आपकी हिप की मूवमेंट खत्म होती जा रही है। और मैंने इनको उस समय कहा था कि आपको शायद AVN की बीमारी स्टार्ट हुई है। और फिर हमने इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, इनको समझाया, सारी चीज़ करी, इनका MRI किया, और आज MRI के बाद हमने देखा कि इनको दो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लिजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। AVN हिप, यानी कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप की समस्या कोविड के बाद इतनी कॉमन हो चुकी है, और क्योंकि इस बीमारी में यंगस्टर्स अफेक्टेड होते हैं, 20 से 40 साल की उम्र के पेशेंट ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं और हो रहे हैं। उसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिव लाइफ जो होती है, जो आप समझ सकते हैं कि 20 से 40 50 की उम्र तक हम एक्टिवली कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने करियर के लिए डेवलप करते हैं, सब कुछ, उस समय अगर आपको इस बीमारी हो जाए तो कितनी तकलीफें आपको हो सकती है, किस तरीके से आपकी लाइफस्टाइल अफेक्ट हो सकती है, किस तरीके आपके डेली की एक्टिविटी अफेक्टेड हो सकती है, किस तरीके से आपकी पर्सनल सोशल लाइफ है एज वेल एज योर प्रोफेशनल लाइफ कैन गेट अफेक्टेड। और सबसे बड़ी दुख की समस्या ये है कि ऐसे मरीज बहुत बार जब AVN की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिप के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और साथ में कमर में भी दर्द पेशेंट को आ सकता है, और साथ में पेशेंट को पैरों के अंदर भी खिंचाव, झंझनाहट, सुन्नपन, भारीपन भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो बहुत बार मरीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक जनरल धारणा है कि अगर मान लीजिए आपको कमर में थोड़ा दर्द हुआ और पैरों के अंदर कोई झंझनाहट, सुन्नपन आई, तो हम कहते हैं नस का दर्द है, और फिर हम नस के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं बोला, लेकिन यूजुअली होता है कि नस का डॉक्टर, और जनरल धारणा में बोलते हैं कि नस का डॉक्टर तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, न्यूरोसर्जन के पास चले जाओ, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स के पास जब तक पेशेंट पहुंचता है तो गाड़ी जो है स्टेशन छोड़ चुकी होती है। तो वही एक समस्या इन पेशेंट के अंदर हुई है कि ये लगभग 1.5 साल से परेशान है, और 1.5 साल से ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो पूरा का पूरा ले रहे हैं नर्व के लिए, कि मेरे को, क्योंकि जब इनको दर्द स्टार्ट हुआ, इनको पैरों में झंझनाहट खिंचाव स्टार्ट हुई, इन्होंने नर्व के डॉक्टर को दिखा दिया जो भी, एंड इन्होंने न्यूरोसर्जन्स को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, ऐसा नहीं था इन्होंने दिखाया नहीं, ही वॉज डूइंग द ट्रीटमेंट, वहां पे इन्होंने उनका MRI करा लिया, MRI के अंदर एक डिस्क निकल के आ गई, जो कि आम तौर पे 80 से 90% जनता में जिनको प्रॉब्लम भी नहीं है वहां पे भी निकल के आ सकती है। और उसकी वजह से फिर इनको ट्रीटमेंट चलता रहा कि आपको नस का दर्द है, आपको नस का दर्द है, यही दर्द बताया था। और इस समय हालात ये हो चुकी है कि पेशेंट का चलना बिल्कुल मुश्किल है, बैठना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जब ये मेरे पास 3 दिन पहले आए तो मैंने इनको एग्जामिन किया, और इनको एग्जामिनेशन के बाद मैंने इनको साफ बताया कि मुझे नहीं लग रहा है कि नस की प्रॉब्लम आपको इतना दिक्कत कर रही है। डेफिनेटली आपके MRI के अंदर एक डिस्क निकली हुई है, जिसमें नस के ऊपर दबाव डाला हुआ है, लेकिन आपकी हिप की मूवमेंट खत्म होती जा रही है। और मैंने इनको उस समय कहा था कि आपको शायद AVN की बीमारी स्टार्ट हुई है। और फिर हमने इनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, इनको समझाया, सारी चीज़ करी, इनका MRI किया, और आज MRI के बाद हमने देखा कि इनको दोनों के दोनों हिप के अंदर जो है AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप है, जो अभी भी आप MRI देख पा रहे हैं। यू कैन सी अब कितनी बड़ी समस्या इन पेशेंट के सामने आ गई है, कि ये दिखा भी रहे थे लेकिन हर कोई इनको ट्रीट कर रहा था कि नर्व के लिए। तो इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना है हमें, कि इस समय कोविड के बाद ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और अब हम इनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे, जो हमारा AVN का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम नॉन सर्जिकल, अब AVN में क्या हुआ, आपका हिप की जो वेस्कुलरिटी है, आपका जो जो हिप ज्वाइंट होता है हमारा, वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। अब इसके अंदर हमारी जो बॉल है उसकी वेस्कुलरिटी, यानी कि खून की सप्लाई या ब्लड वेस्कुलरिटी खत्म हो जाती है, और आमतौर पर देखा गया कि 80% ऐसे पेशेंट्स के अंदर सिंगल ब्लड सप्लाई होती है, अदरवाइज दो ब्लड सप्लाई होती है। अभी अफेक्टेड होने के बाद पेशेंट, वो जो हमारा हिप है, यानी कि स्पेशली हमारा जो फीमोरल हेड है, वो धीरे धीरे कोलैप्स करने लग जाता है, वो नरम पड़ जाता है और कोलैप्स होके फ्यूज हो जाता है, ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस हो जाता है, स्पेस रिड्यूस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और पेशेंट को ग्रेड 4 ऑस्टियोनेक्रोसिस और जैसे AVN ऑफ हिप है। इसमें दो ही संभावनाएं बनती है इस समय ट्रीटमेंट के अंदर, सर्जिकल जब बिल्कुल ऑप्शंस खत्म हो जाए तो हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। आप समझ सकते हैं कि 22 23 26 साल की उम्र है अभी इनकी, 26 साल की उम्र में जब रिप्लेसमेंट करते हैं तो किस तरह से 15 से 20 साल के बाद फिर इनको चीज करना पड़ेगा। इनका प्रोफेशन सीविंग का है, तो इनके लिए बैठना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि गांव में रहते हैं तो इनकी इनको यूरोपियन टॉयलेट चाहिए, इनकी डे टू डे एक्टिविटीज
चेंज हो जाएगी, इनको स्क्वैटिंग, सिटिंग ऑन फ्लोर, ये सब चीजें बंद हो जाती है ऑपरेशन के बाद। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब हम इनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के पास जा रहे हैं, जिसमें हमने बताया था इनको अभी हम DSC भी इंजेक्शन देंगे फॉर पेन मैनेजमेंट, अलॉन्ग विद दैट वी विल गो फॉर ऑटो हीमोथेरेपी, दैट इज ओजोन ऑटोमोथेरेपी एंड मुखर्जी रेजिमेंट, जो हमारा मेन ड्रग्स है, ताकि उस दवाइयों के कॉन्स्टेंटली चलते रहेंगे और धीरे 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 वो हिप जो है रिवेस्कुलाइज होकर चांस बनते हैं कि बिना सर्जरी अपने ही हिप के ऊपर नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी जी सकेंगे। तो आने वाले टाइम में भी हम इनकी वीडियोज बनाएंगे, पूरा का पूरा केस सीरीज दिखाएंगे किस तरीके से इनको इम्प्रूवमेंट है और इस समय क्या ये कर सकते हैं, क्या इनसे नहीं हो रहा और आगे में क्या क्या कर रहे हैं। तो एक बार इनसे बात करते, रविंदर जी बैठे हुए बताइए क्या क्या तकलीफें थी रविंदर जी, कब से आपको? मुझे 1.5 साल से दिक्कत हो रही है, मैं चलने में बहुत मतलब परेशान हूँ, बैठने में भी मुझे दिक्कत हो रही है और मतलब पैर फैलाने में दिक्कत हो रही है, खिंचाव जाता है ये अंदर वाली से, अंदर की तरफ खिंचाव रहता है, खिंचाव रहता है। अच्छा, और नीचे आलती पालती मार के बैठने में, उपड़ू बैठने में दर्द होता है, बैठ नहीं पाते हो? नहीं बैठ पाते हैं और कमर में दर्द रहता है, पैरों में झंझनाहट है, सुनपन है, भारीपन है, भारीपन हो जाता है, सुनपन नहीं होता, झंझनाहट रहती है, झंझनाहट रहती है। तो अभी तक आप ट्रीटमेंट ले रहे थे नर्व के लिए, ट्रीटमेंट बोल रहे थे, फिटनेस निकल गई है नर्व के लिए, तो अभी आप हमारे पास आए, तो मैंने उस दिन 2 दिन पहले जब आए थे मेरे पास, 3 दिन पहले, तो मैंने एग्जामिन करके क्या बताया था आपको कि मतलब आपने ये बोला कि हिप में थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, MRI करके उसके बाद 3 दिन बाद में फिर हम आए MRI कराए। सो यही चीज है कि हमने जब सिम्टम्स के हिसाब से, तो ऐसी अगर देखो इन्होंने कितना ब्यूटीफुली बताया कि मेरे को बैठने में दिक्कत हो रही है, स्क्वेटिंग में दिक्कत हो रही है, आलती पालती मार के बैठने में दिक्कत हो रही है, जांग में अंदर की तरफ से खिंचाव आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स आपके हिप के होते हैं। और अगर आप आलती पालती मार बैठो, नहीं बैठ, ऐसे होता है, नहीं हो पाता, आलती पालती नहीं होती है ना, स्क्वेटिंग भी नहीं होती, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते वैसे नहीं बैठ सकते, पूरे तरीके से नहीं बैठते, पंजों के बल बैठना पड़ता, ठीक है। तो अभी हम इनके हिप का एग्जामिनेशन करेंगे और फिर मैं को क्या क्या प्रोसीजर्स करने जा रहा हूँ मैं दिखाऊंगा। नहीं ढीला छोड़ो आप, हिप कैसे नहीं आता, नाउ यू कैन सी कि इनकी हिप की मूवमेंट ही नहीं है, मैं इससे आगे हिप जा ही नहीं रहा, नहीं जा रहा, ये दर्द होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो हिप मूवमेंट्स अफेक्टेड, फ्लेक्स करो, सी दिस, सो ये होता है हिप की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इस पैर को सीधा उठाइए, इस पैर को सीधा उठाइए, खिंचाव लगने लग गया पूरा, अंदर की तरफ खिंचाव आने लग गए, इस वाले को उठाइए, इतना ही उठ रहे हैं, ठीक है। सो कोई घबराने की बात नहीं है, जो हमने आपको सारी चीज़ डिस्कस करी उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप कब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस तरीके से करना पड़ेगा और सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, अब हम इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी हैव जब भी हम AVN के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वे थोरोली पेशेंट को एग्जामिनेशन, नंबर वन, थोरो इन्वेस्टिगेशंस, बेसलाइन, तो हमने इनके एक्सरे कराए, MRI कराया, इनका होल बॉडी चेकअप, क्योंकि जब हम मुखर्जी रेजिमेन वाली मेडिकेशन पे पेशेंट को डालते हैं, वहाँ पे हमारे पास DMRs मेडिकेशंस होती हैं, तो इसलिए हमें लीवर, किडनी, एवरीथिंग वी नीड टू चेक, पेशेंट को और कोई बीमारी तो निकल, इनको थायराइड निकल गया है रिसेंटली, तो हमें उनको भी काउंटर करना पड़ेगा, तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, इसलिए हम पेशेंट को एडमिशंस देते हैं कि 1 to 2 days एडमिट, एंड वी डू ऑल दिस थेरेपीज देन की पेन मैनेजमेंट, ओजोन ऑटोहीमोथेरेपी एंड मुखर्जी रेजिमेंट। ओजोन ऑटोहीमोथेरेपी हम पेशेंट को 15 डेज के इंटरवल पे 4 to 6 सिटिंग्स लगातार देते हैं, उसके बाद फिर 1 month इंटरवल पे पेशेंट को ये सिटिंग्स लेनी है। इट इंक्रीज ऑक्सीनेशन टू द टिश्यूज, इन्फ्लेमेशन कम करता है और फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट स्ट्रेस को कम करता है। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ में ही हमें चलना होता है और इस तरीके से ये हिप रिवेस्कुलराइज हो सकता है बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के। अदर मेथड्स भी इसके हैं, जैसे सर्जिकल डिकम्प्रेशन किया जाता है अगर इससे ट्रीट नहीं होता है तो, पर आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सर्जिकल डिकम्प्रेशन। हम सर्जिकल डिकम्प्रेशन की जगह मेरे बहुत सारे पेशेंट जो है इसी ट्रीटमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और फाइनली अगर बिल्कुल ही पेशेंट बुरी कंडीशन में आ रहा है, Grade 5 पे आ रहा है, Grade 6 पे आ रहा है, कोलैप्स हो चुका है, प्रोटोशियो हो चुका है, देन पेशेंट को सर्जिकल इंटरवेंशन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट ही हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट AVN के बारे में, और डिटेलिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, क्योंकि ये महामारी की तरह इस समय फैलता जा रहा है दोबारा से, स्पेशली कोविड के बाद से, तो बहुत ही चिंता का विषय है, इसलिए हर लोगों को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से लाइक करें, लोगों को तक पहुँचाएँ, ताकि अगर किसी को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो वो सही समय पर सही डॉक्टर्स को दिखा के अपना इलाज करके अपनी लाइफ में वापस से एक्टिवली रह सकता है और सारे दिन चले के काम कर सकता है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जी सकता है। तो ये मिस्टेक्स आए दिन हम लोग देखते हैं कि हो रही है कि पेशेंट नर्व के लिए दिखाया जा रहा है, उसको कमर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो मेन हिप का हमें छूट गया है।
इसीलिए ये पेशेंट जब लेट स्टेज में पहुंचते हैं तो ट्रीटमेंट करना भी असंभव हो जाता है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट एवियन। अगर आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। GATE 3-4 तक बिना किसी सर्जरी के इसको ठीक किया जा सकता है। सो कोई ऑपरेशन की इसमें रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं पड़ती है। अप टिल GRADE 4 वी आर ट्रीटिंग, GRADE 5-6 के अंदर तो हम भी सर्जरी ही करते हैं। सो हमें उस स्टेज तक पहुंचना नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसी समस्या है तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए जिसमें हम दिखा रहे हैं इनको किस तरीके से हम ये सारी थेरेपीज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ओजोन ऑटोइम्यूनोथेरेपी करेंगे। उससे पहले हम लोग DSCP इंजेक्शन की तरफ जाएंगे। थैंक यू।